नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बुंदेलखंड के महोबा में सहकारी समिति के सचिव पर खाद वितरण में भेदभाव व अनियमितता का आरोप लगाते हुए दर्जनों किसानों ने थाना समाधान दिवस में SDM को शिकायती पत्र देकर सचिव के खिलाफ कार्यवाही किए जाने व किसी सक्षम अधिकारी की मौजूदगी में खाद वितरण कराने की मांग की है। आपको बता दें कि चरखारी तहसील क्षेत्र के रिवई गांव के करीब दर्जन भर से अधिक किसानों ने कोतवाली चरखारी में आयोजित समाधान दिवस में पहुंचकर SDM डॉक्टर प्रदीप कुमार को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि सहकारी समिति में तैनात सचिव दबंग किस्म के हैं। समिति में खाद उपलब्ध कराने के बावजूद किसानों को खाद वितरित करने की बजाय अपने चहेतों व दलालों को ही खाद उपलब्ध करा देते हैं। बाकी किसान कागज जमा करने के लिए दिन भर लाइन में लगने के बाद भी मायूस होकर लौटने को मजबूर हैं। किसानों ने समिति से अभी तक वितरित की गई खाद की जांच कराने व किसी सक्षम अधिकारी की मौजूदगी में खाद वितरित कराने की मांग की है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से देवेंद्र राजपूत की खास रिपोर्ट। सर, वास्तव में वहाँ परेशानी है सर, हम लोग भी हो आए हैं सर, जो है रिवई में जी। खाद जी समाप्त हो चुकी है, कल बढ़ी थी और आवाज शायद नहीं है, इसलिए नहीं। जब रात में बैठते हैं घर में क्या नाम है आपका? रामदास तिवारी। कहाँ के निवासी हैं आप? रिवई। क्या समस्या लेकर आए हैं तहसील? खाद नहीं मिल रही। कहाँ पर खाद नहीं मिल रही है? रिवई चौपाटी। क्यों, वहाँ खाद नहीं आई है क्या? खाद आई है, लेकिन वो है जो दोनों के आदमी है उनका मैसेज दे दे। कौन? किसान आदमी वो सचिव। कौन? अच्छा, सचिव। तो आपने इसकी शिकायत की है? की है शिकायत हमने SDM साहब। क्या आश्वासन दिया है SDM साहब? हमने कहा कि मिल जाएगी तुमको, कल आ जाने दो, हम कल भेजेंगे आदमी। अच्छा, तो इस समय क्या खाद नहीं है वहाँ पर? है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।